नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक पर फोटो, वीडियो या फिर मैसेज को पोस्ट करते टाइम उसे अपने कुछ दोस्तों के साथ किस तरह से हाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप फेसबुक पर पोस्ट करते समय अपने कुछ सेलेक्टेड फ्रेंड से अपनी किसी भी फेसबुक पोस्ट को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको पोस्ट करते समय एक छोटी सी सेटिंग करनी है। क्या है ये सेटिंग दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक RMS लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब के रेड बटन पर टैप कर दीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। करने के लिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ओपन करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी पोस्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। पोस्ट लिखने के बाद दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक टैब है पब्लिक का, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, अब आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन फ्रेंड एक्सेप्ट पर टैप करना है। अब दोस्तों, इस तरह से आपके सामने सभी फ्रेंड आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस फ्रेंड्स के साथ आप इस पोस्ट को हाइड करना चाहते हैं उसको आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। इस तरह से दोस्तों, आप एक साथ में कितने भी फ्रेंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उन सभी फ्रेंड को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अब आपको बैक की प्रेस करनी है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर पहले पब्लिक था वहाँ पर फ्रेंड एक्सेप्ट और उन फ्रेंड के नेम होंगे जिनसे आप इस पोस्ट को हाइड करना चाहते हैं। अब फाइनली दोस्तों, इस पोस्ट को पब्लिश करने के लिए दोस्तों पोस्ट के इस ऑप्शन पर टैप कर दीजिए। जैसे ही आप टैप करेंगे दोस्तों, आपकी ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी फेसबुक पर और जिन फ्रेंड्स को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उनको ये पोस्ट शो नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों, आप फेसबुक पर अपने सेलेक्टेड फ्रेंड्स जिनके साथ अपनी पोस्ट को आप शेयर नहीं करना चाहते हैं और उनको अपनी किसी फेसबुक पोस्ट को शो नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इस ट्रिक से आप उनसे अपनी पोस्ट को हाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों, इसी के साथ RMS लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।